हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी और मैं अपने लेट 40s में हूँ और मेरा मेनोपॉज भी हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो चुका था। और मेरी जो बीमारियाँ हैं, हाइपरटेंशन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो इस वजह से काफ़ी एग्रीवेट हो गया था। और इनके एग्रीवेट होने का एक रीज़न ये भी था कि मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन करना शुरू कर दिया था, और मैं सिर्फ भूखी रह करके अपने आप को पतला करने की कोशिश कर रही थी, जो कि जिसमें मैं बिल्कुल नाकामयाब रही। और मेरा वेट बिल्कुल नहीं गिर रहा था और मैं एक तरह से डिप्रेशन में जाती जा रही थी, क्योंकि मैं अपनी लुक्स, अपनी बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। और जब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी तो मैं ना अपने आप को शीशे में देखना पसंद करती थी, और बाहर निकलना बंद कर दिया था, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दिया था, फ्रेंड्स वगैरह से मिलना भी छोड़ दिया था। फिर हमारे एक जानकार हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना आप डाइट फॉलो करें। तो उन्होंने मुझे हमारी डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम से मेरे बातचीत करवाई, और मैंने सोचा कि चलो हम एक बार एक ट्राई देकर देखते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो सब कुछ खाना पीना छोड़ा हुआ है, लेकिन मेरा वज़न बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप सब कुछ खाइए, आपका वज़न ज़रूर गिरेगा। और यकीन मानिए, उन्होंने जो मुझे डाइट्स दी हैं उसमें मेरा डेली का जो खाना पीना था मैंने वही खाया, बस उसे थोड़ा सा घुमा फिरा करके उन्होंने मुझे दिया, और उसी से मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया, काफ़ी इंच लॉस हुआ, मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आया, जिसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मीनाक्षी जी के, क्योंकि हमारी डाइट वेट लॉस जर्नी में एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरा वज़न स्टक हो गया। और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मैंने वर्कआउट्स भी कर रही थी, और मैं फिर वही नहीं गिर रहा है। मैं थोड़ा ओवर थिंक ज़्यादा भी करती हूँ। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो सिर्फ एक डाइटिशियन ही नहीं है, वो एक लाइफ कोच भी है। वो सिर्फ आपकी डाइट का ही नहीं, आपकी आपकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल स्टेट का भी बहुत ख्याल रखती हैं। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से, इतना पॉजिटिव वे में उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं वापस ट्रैक पे आ गई, और मैंने अच्छा लूज़ किया, और अब मैं घूमती फिरती हूँ, फ़ोटोज़ खिंचवाती हूँ। और पहले मेरी आदत थी कि मैं दवाइयाँ बहुत खाती थी, कुछ भी ज़रा सा हो मैंने दवाई उठाई खाई और बस ओके। लेकिन इन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि हमारे जो घर के ही कुछ ऐसे मसाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दवाई से कम नहीं हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, और वो थी मतलब कि मेरे को बड़ा इजी लगा, मैं उन चीज़ों को फॉलो करा और मेरी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आई। मेरे डॉक्टर बहुत बहुत हैप्पी हैं, एंड सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात ये है कि मेरे जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, जो मेरी जो भी लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, वो सब कुछ इस समय बिल्कुल नॉर्मल और एक बिल्कुल परफेक्ट उसमें आ चुका है। एंड मैं सभी को रेकमेंड करूँगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, आपके सामने मैं खड़ी हूँ, और ये मतलब आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने वेट के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो डाइटिशियन मीनाक्षी अनुपम, शी विल क्रिएट वंडर्स फॉर यू। और इतना हंसते खेलते हमने तो इस 3 महीने को गुजारा है कि मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं डाइट पे हूँ या कुछ हूँ। मेरी मेरी हर हर उसको उन्होंने बड़े प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से टैकल किया, और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मीनाक्षी जी, और आप यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर हेल्प। आई लव यू।